अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ रिजवान अहमद फ्रॉम इल्म की दुनिया institutors.com। इल्म की दुनिया हैज़ ब्रॉड अ वंडरफुल सीरीज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन ECAT पेपर। और ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द इंग्लिश सेक्शन ऑफ ECAT पेपर। तो चाहे आप UET में या किसी भी यूनिवर्सिटी में अपीयर होना चाहते हैं, तो जो इंग्लिश से रिलेटेड आपका जो पोर्शन है उसको हमने कवर किया। इसको हमने 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। इस पार्ट के अंदर जो है वो जो एनालॉजीज बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, एक्टिव पैसिव से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, हम उनको जो है वो हमने अभी तक कवर किया। आज जो है स्पेसिफिकली इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इफेक्टिव टेक्निक्स एंड ट्रिक्स फॉर द पेयर्ड कंस्ट्रक्शन इन ECAT। पेयर्ड कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? पेयर्ड कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि देखें, जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी आम आदमी, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू स्पीक और राइट और रीड। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो हमसे ये तवक्को की जाती है कि हमारे आइडियाज़ के अंदर एक कोहिजन होनी चाहिए, एक रिदम होना चाहिए, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो वो कंटिन्यूटी, वो रिदम जो है वो तभी आएगा कि जब हमें सही तौर पर सेंटेंसेस जो हैं वो लिखने आते हों, हमें पता हो कि इनको कैसे लिखा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है। जो पेयर्ड कंस्ट्रक्शन का आइडिया है, ये आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह सेंटेंस बनाते वक्त, सेंटेंसेस फॉर्म करते वक्त, हमें जो नाउन्स, वर्ब्स और जो एडजेक्टिव्स हैं उनके हमें सेम ग्रामेटिकल फॉर्म्स या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ सेंटेंस जो है वो किस तरह हमें उसको फॉलो करना चाहिए। चले सबसे पहले जो है इस आइडिया को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ए बैलेंस्ड सेंटेंस। हमें ये तो पता है कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस, लेकिन व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड सेंटेंस। बैलेंस्ड सेंटेंस जो है वो एक ऐसे सेंटेंस को कहते हैं इन विच बोथ द पार्ट्स या ऑल द पार्ट्स, जितने भी दो, टू और मोर पार्ट्स इन अ सेंटेंस जो होंगे, बोथ द पार्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, आर इक्वली इंपॉर्टेंट in weight and has you have and have equal या फिर same grammatical structure। इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई sentence लिखते हैं तो उसके अंदर, इफ दैट सेंटेंस हैज़ टू और मोर पार्ट्स इन इट, अगर उसके अंदर दो या तीन या चार जितने भी उसके हिस्से हैं, उसको जब हम डिमार्केट करते हैं, जब हम उसको डिवाइड करेंगे, तो उस सेंटेंस के जो सारे पार्ट्स हैं दे शुड बी इक्वली इम्पॉर्टेंट इन कन्वेइंग द मीनिंग। वो तमाम जो है वो उस इन कम्प्लीटिंग द सेंटेंस, उस सेंटेंस को इकट्ठा रखने के लिए दे शुड बी इक्वल, और उनकी इम्पॉर्टेंस भी उतना होनी चाहिए, और उनके अंदर जो स्ट्रक्चर, जो हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो भी सेम होना चाहिए। चले हम इसको हम एक एग्जांपल के साथ जो है वो यहाँ पर समझते हैं कि लेट्स से वी हैव द एग्जांपल समथिंग लाइक दैट, वी वांट कैंडिडेट्स हु आर सिंसियर courageous and work hard। अब देखें, ये हमारे पास सेंटेंस है। इस सेंटेंस को पढ़ते वक्त फौरन हमें लगेगा कि इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये बैलेंस सेंटेंस नहीं है। इस तरह ये बैलेंस सेंटेंस नहीं है कि देखें, इसमें हमारा जो मेन आइडिया है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैंडिडेट्स, कि जो कैंडिडेट्स हैं। अब इसके बाद, अब लेट्स से कि देखें, ये आपको समझाने के लिए कि जब भी हम सेंटेंस के अंदर हम एक स्पेसिफिक, एक मेन आइडिया प्रेजेंट करते हैं, जैसे इसमें हमारे पास मेन आइडिया है, वी आर टॉकिंग अबाउट कैंडिडेट्स, व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट्स डू वी वांट, उसको आगे हमने एक्सप्लेन किया, दे शुड बी सिंसियर, दे शुड बी करजियस एंड दे शुड वर्क हार्ड। अब देखें कि जब हम इस आइडिया को एक्सप्लेन करते हुए, इस आइडिया को फर्दर नरेट करते हुए, वी यूज डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स। जैसे हमने यहां पर वर्ड्स यूज किए हैं सिंसियर, करजियस एंड वर्क हार्ड। अब ये जो सिंसियर है, सिंसियर कैंडिडेट्स, करजियस एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, लेकिन ये वर्क हार्ड जो है ये क्या है? एक्शन वर्ब। अब देखें, इस मेन आइडिया को डिस्क्राइब करने के लिए,
इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हमने एडजेक्टिव्स यूज किए और साथ हमने एक जो है वो वर्ब यूज कर दिया, तो ऐसा जो है वो हम नहीं कर सकते। तो हमें जो है वो यहाँ पर अगर हमने नाउन या वर्ब या एडजेक्टिव यूज़ किया है तो फिर सारे ही उसके साथ आगे भी हमने एडजेक्टिव जो हैं वो यूज़ करने हैं। तो लिहाजा अब ये हमारा जो है वो एक बैलेंस जो है वो सेंटेंस नहीं रहा। तो इसको जो है वो हम एक और एग्जांपल के साथ चलें समझ लेते हैं। आप देखें, लेट्स से कि हमारे पास वर्ड है लिंडा इज प्रिटी कॉमा इंटेलिजेंट एंड हैव सिंसियरिटी। आप देखें इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट लिंडा और आगे जितने भी इसके साथ एसोसिएटेड आइडियाज हैं वी शुड ऑल जो है वो राइट दोज आइडियाज इन द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जो हमने ग्रामेटिकल फॉर्म जो स्ट्रक्चर हमने यूज किया है इसको एक्सप्रेस करने के लिए उसके वो सारे उसके साथ जो हमने आइडियाज एसोसिएट किए हैं वो इकट्ठे एक ही सूरत में होने चाहिए। तो ये हमारे पास प्रिटी क्या है, एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट हमारे पास एडजेक्टिव है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है। तो ये फिर हमारा जो है वो बैलेंस सेंटेंस नहीं रहेगा। तो इसको बैलेंस बनाते वक्त हमने फिर क्या करना है, हमने इसकी जगह भी फिर यहां पर हमने एडजेक्टिव को ही यूज करना है इस वर्ड को। तो हम कहेंगे लिंडा इज प्रिटी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर। तो ये वर्ड हमारा आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है और बैलेंस्ड है। समझ आ रही। चले एक और स्टेटमेंट कर लेते हैं। लेट्स से सेम हैज स्ट्रेंथ कॉमा इंटेग्रिटी एंड इज करजियस। अब ये देखें बिल्कुल वही बात। अब वी आर टॉकिंग अबाउट सेम इन दिस सेंटेंस। आगे हमने सेम के डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं जो उसकी खूबियां या खामियां कुछ भी हो सकती हैं जब हमने उनको फर्दर नरेट करना है और उनको हमने साथ लिखना है एक ही ग्रुप के अंदर तो वो उस ग्रुप के अंदर जो है वो एक ही जैसे वर्ड्स होने चाहिए, एक ही जैसी फॉर्म होनी चाहिए। तो जैसे हमारे पास स्ट्रेंथ नाउन है, इंटेग्रिटी हमारे पास नाउन है, तो करजियस हमारे पास क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है। तो हम इसको भी फिर कहेंगे कि ये हमारा बैलेंस्ड सेंटेंस जो है वो नहीं है। तो हम फिर इसको कैसे हम इसके साथ नाउन यूज करेंगे, हम कहेंगे सेम है स्ट्रेंथ इंटेग्रिटी एंड करेज। हम यहां पर अपना एक नाउन यूज करेंगे तो ये हमारा फिर सेंटेंस जो है वो एक बैलेंस्ड सेंटेंस जो है वो कहलाएगा। तो सबसे पहले कि देखें कि पेयर्ड कंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए वी शुड कम टू नो कि व्हाट इज ए बैलेंस्ड सेंटेंस। बैलेंस्ड सेंटेंस एक ऐसा जुमला होता है जिसके अंदर जो हमने एक मेन आइडिया व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट आइडिया तो हमने उसके लिए जो उसके साथ एसोसिएटेड आइडियाज हैं वो एक ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अंदर, एक ही ग्रामेटिकल फॉर्म के अंदर जो है वो आने चाहिए। इफ वी आर यूजिंग नाउन्स टू डिस्कस अ सर्टन आइडिया जो हमारा मेन सब्जेक्ट है तो वो हमें आगे जो है वो वी शुड जो है वो राइट ऑल द नाउन्स। अगर हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो वी शुड गिव वर्ब्स। अगर हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो वी शुड यूज़ एडजेक्टिव फॉर द आइडिया। तो ये के मतलब जैसे सेम नाउन्स सेम वर्ब उनकी फॉर्म और सेम एडजेक्टिव हम एक ही तरह यूज़ करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक मेन आइडिया को डिस्कस करते हुए हम उसके साथ एसोसिएट कर दें सर्टन नाउन्स और देन वही जो है वो एसोसिएट अ सिंगल एडजेक्टिव। तो देखें ना कोहेरेंसी नहीं रही, कोहिजन नहीं रही, कंटिन्यूटी ही नहीं रही तो वो ऑड लगता है। तो बैलेंस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो सेम स्ट्रक्चर जो है वो आना चाहिए। चलें अब ये जो कॉन्सेप्ट है पेयर्ड कंस्ट्रक्शन का, इस कॉन्सेप्ट को या बैलेंस सेंटेंस को बनाने के लिए जो एक मेथड यूज होता है उस मेथड को कहते हैं पैरेललिज्म। पैरेललिज्म और पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है? पैरेलल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सेंटेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं
दे शुड बी पैरेलल, दे शुड बी इक्वल, वो सारे एक जैसे होना चाहिए. तो इट रेफर्स, इट रेफर्स टू यूज सेम ग्रामेटिकल फॉर्म या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ सेंटेंस. वही बात उसको हमने जो है वो यहां पर एक डेफिनेशन की सूरत में लिख दिया कि पैरेलल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें वी यूज सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ सेंटेंस, कि हमारी ग्रामर की जो फॉर्म्स होंगी, जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा. तो फिर जो है अब हम चले, मैं कुछ ऐसा करता हूं कि कुछ हम कंस्ट्रक्शन जो है वो यहां पर डिवेलप करते हैं और उस कंस्ट्रक्शन को रीडर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स आप खुद पढ़ें और पढ़ के आप खुद ही देखिएगा कि कौन सी कंस्ट्रक्शन जो है वो पढ़ने में ज़्यादा इजी लगती है और ज़्यादा करेक्ट लगती है. चलें हम जो है वो एग्जांपल्स करते हैं. लेट्स से हम कंस्ट्रक्शन नंबर वन, आई लाइक ईटिंग फूड एंड ड्रिंक मिल्क. अब ये देखें, ये कंस्ट्रक्शन वन का ए पार्ट है और इसके बी पार्ट में लेट्स से मैं कहता हूं आई लाइक ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग मिल्क. अब देखें, अब ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन नंबर वन है उसमें कंस्ट्रक्शन ए में हमने यहां पर वर्ब यूज किया आईएनजी के साथ और यहां पर हमने सिंपल वर्ब यूज कर लिया, ठीक है. तो ये दोनों जो हैं वो ग्रामेटिकल फॉर्म सेम नहीं है. तो इस सेंटेंस को पढ़े, आई लाइक ईटिंग फूड एंड ड्रिंक मिल्क. अब हमारे पास आई लाइक ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग, तो जो वर्ब हमने यहां पर यूज किया और जो वर्ब हमने यहां पर यूज किया दे आर सेम. तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं दे आर क्वाइट ईजी टू रीड, इनको पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है. तो ये कंस्ट्रक्शन जो है वो हमने हमेशा जहन में रखनी है, पैरेललिज्म के सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है इट शुड कम इन अ सेंटेंस. तो इसमें जो पढ़ने वाला है उसके लिए भी आसानी हो जाती है. चले अब ये जो पैरेलल स्ट्रक्चर है इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम देखते हैं कि हाउ कैन वी डिवेलप अ पैरेलल स्ट्रक्चर इन सेंटेंसेस. तो उसके रूल्स देखते हैं. रूल नंबर वन, रूल नंबर वन है कि पैरेलल स्ट्रक्चर शुड बी ऑब्जर्व्ड, पैरेलल स्ट्रक्चर शुड बी ऑब्जर्व्ड विद सेम नाउन्स वर्ब्स एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस. रूल नंबर वन तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम है जो अभी तक हमने एग्जाम्पल्स के साथ देखा कि बैलेंस सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है. तो हमने एक कंस्ट्रक्शन की एग्जाम्पल ली कि हमने जो है वो पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब ही ये होता है कि हम जो है वो किसी सेंटेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, वो हमें एक जैसी ही नज़र आनी चाहिए. तो इफ़ वी आर यूजिंग नाउन्स टू डिस्कस अ मेन आइडिया, जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो हमें उसके अंदर सेम नाउन्स जो हैं वो उसी तरह नाउन्स ही आगे यूज़ करने चाहिए. अगर वर्ब्स हैं तो वर्ब, अगर एडजेक्टिव हैं तो एडजेक्टिव यूज़ करें. ये नहीं हो सकता कि नाउन के साथ हम कोई वर्ब लगा दें, नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता. तो पहला रूल नंबर वन तो बहुत ईजी है जो हम अभी तक कर लिया. अब रूल नंबर टू देखते हैं. इट्स अ बिट ट्रिकी, बिट कॉम्प्लेक्स, कि रूल नंबर टू हमें कहता है कि ऑब्जर्व पैरेलल स्ट्रक्चर इन ए सिंगल और सेम क्लॉज. क्या मतलब है? अब देखें कि सेंटेंसेस जो हैं दे कैन बी बिट कॉम्प्लेक्स, दे कैन बी बिट ट्रिकी, और वो जो है वो ऐसा नहीं होता कि ऑल सेंटेंसेस जो हैं वो ऐसे नहीं हो सकता कि आई लाइक to eat full stop, I run fast full stop, I go to school
फुल स्टॉप, ऐसा नहीं हो सकता। समटाइम्स इन तमाम ये जो हमने तीन आइडियाज, तीन डिफरेंट एक्टिविटीज लिखी हैं तीन डिफरेंट सेंटेंसेज में, हम इन तीनों एक्टिविटीज को एक ही सेंटेंस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आई लाइक टू ईट कॉमा टू रन फास्ट एंड गो टू स्कूल। आप ये देखें, ये तीनों एक्टिविटीज जो हमने लिखी थी ये एक ही सेंटेंस के अंदर हमने बना दी। अब इसका मतलब है कि देर आर थ्री पार्ट्स या देर आर मोर देन वन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। इसमें तीन डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, एक ये एक्टिविटी हो रही है, एक ये और एक ये, तीन एक्टिविटी। तो सेंटेंसेस के अंदर जो है वो एक्शन जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में ये जो हमारा रूल नंबर टू है ये हमें बताता है कि इफ वी आर ऑब्जर्विंग अ पैरेलल स्ट्रक्चर तो वी शुड ऑब्जर्व द पैरेलल स्ट्रक्चर इन द सेम और सिंगल क्लॉज। अब क्लॉज क्या है, क्लॉज जो है इसे हम कहते हैं पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और दो तरह के क्लॉजेज होती हैं। एक क्लॉज होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी होती है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है विच हैज कंप्लीट मीनिंग, के ऐसा जुमले का हिस्सा दैट कन्वेज इट्स मीनिंग इन इट्स फुल एसेंस। कि अगर उस जुमले के पार्ट को हम अलहदा कर दें तो वो अलहदा से भी अपना मतलब जो है वो अपना मीनिंग जो है वो फुली तौर पर कन्वे कर देगा। तो अगर जो है वो जो डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज में जो है वो हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज में सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो जिसके अंदर हमारे पास वर्ब तो होगा लेकिन वर्ब होने के बाद जो है उसके बावजूद वो एक इनकम्प्लीट मीनिंग जो है वो हमें देता है, इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। तो टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, चले हम इधर एक एग्जाम्पल करते हैं कि आई से द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखें इस सेंटेंस के अंदर दो एक्टिविटीज हुई हैं, एक पेशेंट का मर जाना और दूसरा है डॉक्टर का आना। तो इसका मतलब है कि इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट में मरीज का मरना और दूसरे पार्ट में डॉक्टर का आना। तो इसको हम जो है वो इसको देखें, द पेशेंट हैड डाइड, ये जो है वो हमें कंप्लीट मीनिंग बताता है। अब अगर हम बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले अगर हम इस हिस्से को इस सेंटेंस से अलग कर दें तो दिस सेंटेंस विल नॉट कन्वे इट्स कंप्लीट मीनिंग। कि हम कहें बिफोर द डॉक्टर केम कॉमा व्हाट हैपेंड वी डू नॉट नो। हो सकता है हम आगे लिखना चाह रहे हो द पेशेंट रैन अवे, मरीज भाग गया। द पेशेंट जो है वो स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि दिस पार्ट जो डिपेंडेंट क्लॉज ऑफ द सेंटेंस है इट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस जुमले के दो हिस्से हैं जो इस सेंटेंस को जो कंप्लीट बनाते हैं, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। यहां पे क्लॉजेस की समझ आ गई। अब हमारे पास रूल नंबर टू है कि ऑब्जर्व पैरेलल स्ट्रक्चर इन अ सिंगल और सेम क्लॉज। ये रूल हमें बताता है कि व्हेन वी आर राइटिंग अ सेंटेंस और उसके अंदर देर आर मोर देन टू और पार्ट्स, के मोर देन वन पार्ट्स हैं, टू थ्री पार्ट्स हैं उसके अंदर, तो हो सकता है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, ये हो सकता है देर आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इन अ सेंटेंस और उसके साथ आगे डिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी। तो व्हेन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व पैरेलल स्ट्रक्चर इन अ सर्टेन क्लॉज तो वो पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ उसी एक क्लॉज के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे। अभी अगर आपको समझ नहीं आई तो इसको एक और एग्जाम्पल के साथ करते हैं। ये देखें, लेट से वी हैव द सेंटेंस द कार won't drive or even start. Let's say, so far we have this sentence. और इसके अंदर जो है वो ये देखें, हमने जो verb use किया drive
और स्टार्ट, ये हमने सिंपल अपना जो है वो प्रेजेंट सिंपल वर्ब जो है वो हमने यूज कर लिया। दोनों वर्ब दे आर सेम और ये जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। गाड़ी ना चलेगी ना स्टार्ट होएगी। अब अगर हम इस सेंटेंस को एक्सटेंड करते हैं, लेट्स से द कार वोंट ड्राइव और इवन स्टार्ट अनलेस समवन चेक्स और डू द पुशिंग, चले चेक्स इट और डू द पुशिंग। ये गाड़ी अब हो गया कि ये गाड़ी तब तक ना चलेगी ना स्टार्ट होगी जब तक उसे कोई देख नहीं लेता या उसे कोई धक्का नहीं लगा लेता। अब देखें इस सेंटेंस के पहले हिस्से में हमने यहां पर जो अपना वर्ब यूज किए दे आर सेम, वो प्रेजेंट वर्ब है। अब इसके दूसरे हिस्से में हमने फिर एक सिंपल वर्ब यूज किया लेकिन उसके साथ आगे जो है वो हमने जो है वो जो हमने इसके साथ जो ये जो वर्ड यूज किया ये हमने पार्टिसिपल यूज कर लिया। तो हम ये हमारा ग्रामेटिकली टेक्निकली ये सेंटेंस जो है वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हम फिर हमने यहाँ पे डू द पुशेस हम जो है वो इसके मुताबिक जो वर्ब हमने यहाँ पर यूज किया है वही वर्ब जो है वो हम आगे भी यूज करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि सेंटेंस के इंडिपेंडेंट क्लॉज में वी कैन ऑब्जर्व वी कैन फॉलो अ डिफरेंट पैरेलल स्ट्रक्चर और सेंटेंस के जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसके अंदर वी कैन ऑल्सो फॉलो अ डिफरेंट पैरेलल स्ट्रक्चर। तो हो सकता है अभी तो हमने इसमें भी और इसमें भी दोनों में प्रेजेंट यूज किया लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के अंदर दोनों में ही एक जैसा स्ट्रक्चर यूज करें। सेंटेंस के इस पार्ट में इस क्लॉज में एक अलग स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं और इस पार्ट में हम एक अलग स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं लेकिन जो स्ट्रक्चर हम इस पार्ट में फॉलो करेंगे वो सेम होना चाहिए और जो स्ट्रक्चर हम इस पार्ट में फॉलो करेंगे वो भी सेम होना चाहिए। चले एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल देखें, ही कुड नॉट गेट टू हिज वर्क विद हिज कार नॉट ड्राइविंग एंड इवन स्टार्ट। अब ये देखें, अब इस जुमले के जो डिपेंडेंट क्लॉज है जो इसकी जो फ्रेज पार्ट है, अब यहां पर हमने ये वर्ब यूज किया आईएनजी के साथ और यहां पर हमने मेन जो है वो अपना वर्ब यूज कर लिया है तो ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने फिर इसको सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने फिर क्या कहना है, ही कुड नॉट गेट टू हिज वर्क विद हिज कार नॉट ड्राइविंग एंड इवन नॉट स्टार्टिंग। हमने अपने स्ट्रक्चर को जो है वो उसी तरह फॉलो करना है। समझ आ रही? ये रूल नंबर टू है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर जो हम स्ट्रक्चर अपना फॉलो करेंगे वो स्ट्रक्चर हमारा सेम होना चाहिए और फिर डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर जो हम अपना स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे वो सेम होना चाहिए। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो अलग अलग अपनी क्लॉज के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन एक ही क्लॉज के अंदर दो स्ट्रक्चर हम फॉलो नहीं कर सकते। एक सेंटेंस के अंदर हम दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं अगर उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लेकिन एक क्लॉज के अंदर हम दो जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉलो नहीं कर सकते। ये हमारा रूल नंबर टू है। चलें इसके बाद हम जो है वो तीसरा एक देखते हैं रूल नंबर थ्री। वो क्या है? रूल नंबर थ्री है कि ऑब्जर्व पैरेलल स्ट्रक्चर यूजिंग कंजंक्शंस। क्या मतलब कि व्हेन वी यूज कंजंक्शंस इन अ सेंटेंस, कंजंक्शंस क्या होते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं एंड हु दे कनेक्ट, ये नाउंस को
वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को या फिर डिफरेंट सेंटेंसेस को. ये जो कंजंक्शंस होती हैं, ये डिफरेंट सेंटेंसेस या उसके अंदर लिखे गए नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को आपस में कनेक्ट करते हैं. तो वो हमारा ये तीसरा रूल है कि आप देखें कि ऑटोमेटिकली इफ़ वी आर यूजिंग कंजंक्शंस, तो ये हमारे ऊपर है कि वी शुड मस्ट या वी मस्ट ऑब्जर्व जो है वो पैरेलल स्ट्रक्चर, वी शुड और वी मस्ट. तो हमें ये जो है इसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं. तो अगर नाउन कंजंक्शन एग्जांपल, ही इज वर्किंग हार्ड व्हाइल अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. अब ये देखें, यहां पर हमने दो डिफरेंट आइडियाज को, वर्किंग और अर्निंग, इनको हमने कनेक्ट किया है विद द वर्ड व्हाइल. तो ये हमारी कंजंक्शन है. तो जब हम कंजंक्शंस के साथ डिफरेंट वर्ब्स को, डिफरेंट नाउन्स को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उस कंजंक्शन से पहले और उस कंजंक्शन के बाद में आने वाले जो वर्ड्स हैं, दे शुड फॉलो द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. कि अगर पीछे नाउन है तो आगे भी नाउन आना चाहिए, पीछे वर्ब है तो आगे भी वर्ब होगा, पीछे एडजेक्टिव है तो पीछे भी आगे भी एडजेक्टिव होगा. हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं कर सकते कि ही इज वर्किंग हार्ड व्हाइल अर्न अ लॉट ऑफ मनी. तो ये जो अगर हम अर्न लिखेंगे तो ये ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा. तो तीसरा रूल कि हमने वी शुड ऑब्जर्व पैरेलल स्ट्रक्चर व्हाइल यूजिंग कंजंक्शंस. कि जब हम कंजंक्शंस का जुमले के अंदर इस्तेमाल करते हैं, व्हेन वी यूज कनेक्टिंग वर्ड्स इन अ सेंटेंस, तो उस कनेक्टिंग वर्ड से बिफोर एंड आफ्टर जो हमने नाउन्स, वर्ब्स, जो एडजेक्टिव्स लिखे हैं वो हमारे सेम ग्रामेटिकल फॉर्म में होने चाहिए. ये हमारा जो है वो तीसरा रूल है. अब देखें, एक एक्सेप्शन है चौथे नंबर पे हमारे पास. एक एक्सेप्शन है समटाइम्स जो है इस रूल के अंदर, एक एक्सेप्शन है कि समटाइम्स वी शुड नॉट फॉलो द पैरेलल स्ट्रक्चर इन अ सेंटेंस. वो कैसे, कि एक्सेप्शन ये है कि हमारे पास दो तरह की हो, व्हेन टू पास्ट इवेंट्स आर डिस्कस्ड द वन इंटरप्ट्स द अदर. इसका मतलब यह है कि अगर सेंटेंस के अंदर वी डिस्कस टू पास्ट इवेंट्स और उसमें से एक पास्ट इवेंट जो है वो कंटिन्यूस में है और एक सिंपल पास्ट में है, और वन पास्ट इवेंट हैज ए डायरेक्ट इंपैक्ट या वन पास्ट इवेंट डायरेक्टेड डायरेक्टली इंफ्लुएंसेस द अदर पार्ट, जो दूसरा इवेंट हो रहा है. अगर ये दोनों जो इवेंट्स हैं दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, को रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, वन इंपैक्ट्स द अदर, तो फिर उसमें फिर हम क्या करेंगे कि एक हम जो है वो सिंपल पास्ट में इवेंट लिखेंगे और एक जो है वो हम कंटिन्यूस में लिखेंगे, तो उसमें हम पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो नहीं कर सकते. एग्जाम्पल, द बेबी वॉज क्राइंग, द बेबी वॉज क्राइंग कॉमा बट स्टॉप्ड. अब ये देखें, बोथ आर पास्ट इवेंट्स, एक पास्ट कंटिन्यूस है, एक सिंपल पास्ट है, दोनों इवेंट्स पास्ट में हो रहे थे, लेकिन एक इवेंट जो है वो डाइसेक्ट करता है, वो इंटरप्ट करता है. दिस इवेंट वॉज कंटिन्यूड, द बेबी वॉज क्राइंग, लेकिन एक और इवेंट ने इंटरप्रेट किया, उसको डाइसेक्ट किया, उसको इंटरप्ट किया, और उसका जो है ये इवेंट जो है ये जो काम हो रहा था वो ख़त्म हो गया. तो अगर दो पास्ट इवेंट्स हम सेंटेंस में लिखें एंड वन इवेंट जो है इट एक्चुअली इम्पैक्ट्स द अदर इवेंट, तो उसमें फिर हम क्या करेंगे कि हम वो जो पैरेलल स्ट्रक्चर है उसको फॉलो नहीं कर सकते. एक कंटिन्यूस जो कंटिन्यूस टेंस में होगा और दूसरा जो है वो सिंपल पास्ट में होगा. अब इसमें हम कर ही नहीं सकते, जैसे कि द बेबी वॉज क्राइंग बट समवन वॉज स्टॉपिंग इट, तो ये तो हमारा फिर एक और कॉन्टेक्स्ट में हम लिखा गया, इसमें जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ा, तो उसे जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उसको इंटरप्ट नहीं कर रहा. तो एक तो ये है कि अगर हमारे पास दो इवेंट आ जाएं,
ग्रामर है जिसके अंदर जो है वो हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आपके लिए ये असल में टॉपिक इसलिए चले, इससे आगे जो है वो हमने एक्सेप्शन में हमने रूल वन देखा कि उसमें फिर क्या होता है कि व्हेन टू पास्ट इवेंट्स हैं दे आर डिस्कस्ड और एक इवेंट जो है वो इंटरप्ट्स द अदर इवेंट, तो उसमें फिर हम जो है वो सेम फॉर्म जो है वो उसको नहीं कंटिन्यू कर सकते। इसमें दूसरा ये होता है कि व्हेन मोर देन टू इवेंट्स, मोर देन टू इवेंट्स आर डिस्कस्ड कोई एक इवेंट पास्ट में हो, एक प्रेजेंट में हो और एक जो है वो फ्यूचर में हो। अब देखें जैसे कि हमें इसकी कॉनोटेशन से ही पता चल रहा है कि व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमारा सेम हो ही नहीं सकता। इसमें हम और तरह की वर्ब फॉर्म लेके आएंगे, इसमें हम और हमारी डिफरेंट वर्ब फॉर्म होंगी, इसमें हमारी डिफरेंट फॉर्म होंगी। तो जब हमारी वर्ब फॉर्म्स ही डिफरेंट हैं, व्हेन ऑल द इवेंट्स बाय नेचर जो है वो एक दूसरे से अपोजिट हैं, डिफरेंट हैं, तो उसमें सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो ही नहीं किया जा सकता। सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उस वक्त फॉलो किया जाएगा जब हम सेंटेंस के अंदर एक सिंपल आइडिया उसको लिखते हैं और फिर हम उस आइडिया को एसोसिएट करते हैं विद अदर वर्ड्स, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम नरेट करते हैं, उसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो जिस तरह के आई लाइक टू ईट फूड कॉमा टू ड्रिंक मिल्क कॉमा एंड गो टू स्कूल, अब इसमें देखें कि ये जो असल में तीन एक्टिविटीज़ हैं दे आर ऑल डिस्कसिंग अबाउट द वर्ड आई, वो सारा कुछ असल में इसको एक्सपेंड कर रही हैं कि वट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ डू आई इन्जॉय या डू आई डू, मैं किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो करता हूँ। तो अब अगर हमारे पास बाई नेचर इवेंट्स ही डिफरेंट हैं तो ग्रामर जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जो है वो हमारा सेम हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल करते हैं, शी स्टडीड एट अ यूनिवर्सिटी कॉमा इज वर्किंग नाउ कॉमा या फिर एंड विल रिटायर सून। अब देखें तीन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैं, तीन डिफरेंट जो है वो टेंसेज हैं, और ये अगर हमारा कॉन्टेक्स्ट है इसमें जिसमें हम ये लिख रहे हैं किसी के बारे में, तो फिर सेम जो है वो पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो हम नहीं डेवलप कर सकते। ये हमारा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा फ्यूचर है। तो जब ऐसे इवेंट्स डिस्कस करें जिसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो तो उसमें फिर पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं आ सकता, उसमें फिर हमें अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रेजेंट और जो पास्ट और फ्यूचर के होंगे हमने उन्हीं को ही फॉलो करना है। तो इन रूल्स के अंदर जो है एक ये एक्सेप्शन पाई जाती है। चले इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो रूल नंबर 5 है वो है कि ऑब्जर्व पैरेलल स्ट्रक्चर इन एलिमेंट्स ऑफ सीरीज। एलिमेंट्स ऑफ सीरीज का मतलब है कि देखें कि जब हम समटाइम्स किसी आइडिया को एक लिस्ट की फॉर्म में, एक चार्ट की फॉर्म में लिखते हैं, उसको सीरीज के तौर पर लिखते हैं कंटिन्यूटी, तो उसमें फिर हमने पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो हमने उसको ज़रूर फॉलो करना है कि अगर हम जो नाउन या वर्ब लिख रहे हैं उसी लिहाज से ही हमने जो है वो आगे सारे नाउन्स और वर्ब्स लिखने हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल करूं, देखें I came, comma, I saw and I conquered। अब ये देखें ये सीरीज है ना, इकट्ठी चल रही है एक्टिविटीज को, जो जो उसने आगे किया, पास्ट है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता I came, I saw and I will conquer, तो ये गलत हो जाएगा। जो हम पीछे टेंस लेकर चल रहे हैं उसी टेंस को हमने आगे लेकर चलना है। एक और एग्जांपल करते हैं सीरीज के अंदर, द किंग इज द पॉलिटिकल कॉमा रिलीजियस एंड द हेड ऑफ
मिलिट्री फोर्सेस। जी स्टूडेंट्स शाबाश, देखें और जल्दी से पॉइंट आउट करें कि क्या मिस्टेक है इस सेंटेंस के अंदर, कि हमने ये देखें पॉलिटिकल रिलीजियस, आगे हमने इसको बिल्कुल ही डिफरेंट लिख दिया। तो हम यहां पर इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, द किंग इज द पॉलिटिकल रिलीजियस एंड मिलिट्री हेड। सीरीज है ना, एक ही जैसे वर्ड्स हमने लिखने, तो ये हमारा जो है वो ठीक हो जाएगा। ऑब्जर्व पैरेलल स्ट्रक्चर। चले एक और एग्जांपल करते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए। लेट्स से कि मैं लिखना चाहता हूं द एक्टिविटीज ऑफ टुडे आर कॉलन। अब देखें, अब हम नीचे आगे सीरीज बनाने लगे हैं कि सबसे पहले टू वेक अप अर्ली, दूसरे नंबर पे गोइंग टू स्कूल, वर्क हार्ड। अब ये देखें, ये हमने सीरीज बनाई, एक लिस्ट बनाई, तो इसमें अब मिस्टेक क्या है, इसको पढ़ के कौन सा लगता है कि ये थोड़ा सा इससे हट गया है। ये यहां पर हम इन्फिनिट यूज कर रहे हैं टू वर्क हार्ड, यहां पर हमने इन्फिनिट यूज किया, तो हमें यहां पर भी फिर इन्फिनिट जो है वही यूज करना चाहिए। तो हम कहेंगे टू गो टू स्कूल, तो ये फिर हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो ठीक हो जाएगा। तो चलें एक और देखते हैं कि एक अभी तक हमने देखा कि एलिमेंट ऑफ सीरीज के अंदर जो है उसको हमने जहन में रखना है, उसके बाद ऑब्जर्व पैरेलल स्ट्रक्चर इन कंपेयरिंग थिंग्स या कंपेयरिंग एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग सर्टेन थिंग्स इन अ सेंटेंस, तो कंपेयर करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, देन, ऐसा ही है ना। तो और देन से पहले हमने एक चीज एक आइडिया लिखा और हम कंपेयर करते हैं उस आइडिया को किसी और एक्टिविटी के साथ, उसी से जुड़े हुए एक और आइडिया। तो जब हमने कंपेयर करना है तो देन से पहले और बाद में आने वाला जो हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो भी हमारा सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल करूं, I like reading books, then to watch movies। जी स्टूडेंट्स बताएं कि what's wrong with the sentence? इसके अंदर ये गलती है कि हमने यहां पर तो देखें कि हमने ing वाली फॉर्म यूज की और यहां पर हमने अपना इन्फिनिटिव यूज कर लिया, तो गलती हो गई ना। तो हम फिर इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आई लाइक रीडिंग बुक्स देन वॉचिंग। हम अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेम बना लेंगे, या फिर आप ऊपर वाले को करेक्ट कर लें, आई लाइक टू रीड बुक्स देन टू वॉच मूवीज। समझ आ रही है? तो हमने जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो सेम रखना है, इवन व्हेन वी आर कंपेयरिंग सर्टेन एलिमेंट्स। तो सेंटेंस के अंदर जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो कंपैरिजन करते वक्त भी हमने जो है वो अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को अपने जहन में रखना है, और जो स्ट्रक्चर हम पहले यूज करें उसी को ही हमने फॉलो करना है आगे अगले सेंटेंस में भी। इसके बाद आ जाता है ऑब्जर्व पैरेलल स्ट्रक्चर using even when using correlated conjunctions। एक हमने पहले रूल पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि when we use the connecting words, when we use conjunctions, तो उस conjunction से पहले और बाद में आने वाले अगर हमारे पास nouns हैं, verbs हैं, adverbs हैं, adjectives हैं, they should be same, उनको सेम होना चाहिए। अब यहां पर है कि जो हम को रिलेटेड कंजंक्शंस कौन सी होती हैं, जो पेयर्स में आती हैं, जैसा कि आइदर और नाइदर नॉर,
not only but also, इस तरह के जो correlated, जो pairs के अंदर conjunctions आती हैं, उन conjunctions को जब हम अपने sentences के अंदर use करते हैं, तो उन conjunctions से भी पहले और बाद में आने वाले जो हमारा आइडिया है, जो एसोसिएटेड आइडिया है, उसको हमने सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में लिखना है, सेम फॉर्म में लिखना है, कि अगर इससे पहले हमने नाउन लिखा तो आगे भी नाउन आएगा, अगर पहले वर्ब है तो बाद में भी, अगर पहले एडजेक्टिव है तो बाद में भी एडजेक्टिव। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, शी नॉट ओनली वॉन्ट्स a satisfying job but also a well paid job। अब देखें, ये हमारे पास सेंटेंस है स्टूडेंट्स, क्या बात, जल्दी से क्विकली सेंटेंस को देख के पढ़ के अब बताएं कि व्हाट्स रॉन्ग विद द सेंटेंस। तो इसमें देखें कि यहां पर जो हमारे पास वर्ब है आईएनजी वाला सेटिस्फाइंग जॉब, और यहां पे हमने इसे पास्ट में लिख दिया, तो ये हमारे पास पार्टिसिपल है और नीचे हमारे पास पास्ट है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना फिर, तो फिर हमने इसको भी सेम बनाना है। तो फिर ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, शी नॉट ओनली वॉन्ट्स अ सेटिस्फाइंग जॉब बट ऑल्सो ए वेल पेइंग जॉब। तो जब हम को रिलेटेड कंजंक्शन यूज करते हैं तो उन कंजंक्शन को भी यूज करते हुए हमने अपने जो पैरेलल स्ट्रक्चर है उसको हमने सेम रखना है, ये बात आपने याद रखनी है। चलें आगे देखते हैं, डू नॉट मिक्स द एक्टिव एंड पैसिव वर्ब्स इन अ सेंटेंस या क्लॉज। व्हेन वी आर राइटिंग अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और वी यूज सर्टन एक्टिव वर्ब्स एंड देन वी यूज अ पैसिव वर्ब, तो ग्रामेटिकली टेक्निकली दैट सेंटेंस विल बिकम रॉन्ग, वो बैलेंस सेंटेंस नहीं रहेगा, वो पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, वो ग्रामर की एक मिस्टेक समझी जाएगी। तो हमने फिर अगर इफ वी आर यूजिंग एक्टिव वर्ब तो हमें फिर उसमें एक्टिव वर्ब्स ही यूज करने चाहिए, अगर हम पैसिव वर्ब्स यूज कर रहे हैं तो हमने पैसिव वर्ब यूज करने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेंटेंस के अंदर, एक क्लॉज के अंदर आप एक्टिव वर्ब्स ही यूज कर रहे हैं और उसके साथ आप पैसिव वर्ब्स ही यूज कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। एग्जांपल करते हैं, व्हाइल मेकिंग एप्पल पाई कॉमा फर्स्ट स्लाइस इट अप एंड देन दे शुड बी मिक्स्ड अप विद शुगर एंड लेमन। अब देखें, हमने इसके अंदर जो वर्ब्स यूज किए हैं, स्लाइस इट अप, ये हमारा एक्टिव वर्ब है, एक्टिव वर्ब है। तो आगे हमने ये जो हमारा मिक्सअप जो हमने वर्ब यूज करे, ये हमारा पैसिव वर्ब है, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। तो हमने जो एक्टिव वर्ब यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आगे आप एक्टिव वर्ब ही लेके चलें। तो फिर इसको हम कैसे ठीक करेक्ट करेंगे, व्हाइल मेकिंग एप्पल पाई फर्स्ट स्लाइस इट अप एंड देन दे शुड, आगे बी को काट देंगे और इसका फिर हम सिंपल लेंगे, देन दे शुड मिक्स अप विद आगे फिर शुगर और लेमन, जो भी आपके पास स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है कि आपने एक्टिव और जो पैसिव है उसका भी आपने ख्याल रखना होता है। चलें लास्ट रूल, जो पेयर्ड कंस्ट्रक्शन पैरेलल स्ट्रक्चर को हमने समझने के लिए करना है वो है अवॉइड मिक्सिंग जेरंड एंड इन्फिनिटिव वर्ब।
क्या मतलब है कि एक सेंटेंस को लिखते वक्त हम जेरंड नाउन और इन्फिनेटिव नाउन जो है वो इकट्ठे नहीं लिख सकते। इफ वी आर यूजिंग जेरंड नाउन टू डिस्कस एन आइडिया तो हम फिर आगे उसे जेरंड नाउन के साथ ही एसोसिएट करेंगे, उसी के साथ एक्सपेंड करेंगे। अगर हम इन्फिनेटिव वर्ब यूज कर रहे हैं तो हम इन्फिनेटिव वर्ब के साथ ही उसको जो है वो आगे हम एक्सपेंड करेंगे। एग्जाम्पल, माई हॉबीज आर गार्डनिंग, कॉमा जेरंड आ गया, कैंपिंग एंड के जो रूल नंबर 9th है, इट इज अवॉइड मिक्सिंग जेरंड एंड इन्फिनेटिव वर्ब, कि हमने जेरंड और इन्फिनेटिव वर्ब जो है या नाउन्स वो हमने इकट्ठे नहीं लिखने, ये याद रखें। जैसे कि माई हॉबीज आर गार्डनिंग, कैंपिंग जेरंड नाउन चल रहे हैं, एंड टू हाइक तो हम आगे जो है वो इन्फिनेटिव नाउन नहीं लिख सकते। तो फिर हम इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, माई हॉबीज आर गार्डनिंग कैंपिंग एंड हाइकिंग फुल स्टॉप। तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस जो है विल बिकम करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थे रूल्स ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। तो जो बैलेंस स्टेटमेंट है, हमने देखा कि जो बैलेंस सेंटेंस, सबसे पहले बैलेंस सेंटेंस जो है उसको हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। उसका एक मेथड है पैरेललिज्म, और एक जो हमने सबसे पहले एग्जांपल्स के साथ देखा, तीसरा जो है वो ये है कि हमने जो जो कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर हम जो पैरेलल स्ट्रक्चर या बैलेंस सेंटेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एक सेंटेंस के अंदर व्हेन वी हैव डिफरेंट कंट्रास्टिंग या अपोजिंग व्यूज, उसके अंदर जो है वो हम बैलेंस स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। एग्जांपल, आई कैन नॉट लव हिम बट आई कैन नॉट हेट हिम ईदर। अब ये देखें, ये दो आइडियाज हैं हमारे पास, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर कॉन्फ्लिक्टिंग, लव और हेट। तो जब हमने कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज को, जो कंट्रास्ट, जो अपोजिट आइडियाज हैं, उनको जब हमने मिक्स करना है, एक सेंटेंस के अंदर लिखना है, तो तब भी हम जो पैरेलल स्ट्रक्चर है हमने उसको ऑब्जर्व करना है कि जो जो फॉर्म ऑफ टेंस है वो आप यहां पर यूज कर रहे हैं, वही फॉर्म ऑफ टेंस जो है वो आप नीचे भी यूज करेंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, माई शूज डू नॉट लुक गुड इन डेलाइट एज दे डू इन द नाइट। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपोजिट आइडियाज हैं, दिन का और रात का, और वो कैसे नजर आते हैं। तो जब हमने अपोजिंग आइडियाज को एसोसिएट करना है एक दूसरे के साथ, हमने लिंक करना है, तो तब भी हमने फिर पैरेलल जो स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस सेंटेंस बनाते वक्त हमने जो फॉर्म ऑफ टेंस है उसको जो है वो हमने हमेशा जहन में रखना है कि अगर पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट आएगा, पीछे प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट आएगा, अगर पीछे फ्यूचर है तो आगे भी फ्यूचर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का जो हमारा टॉपिक था इसको आपने जो है वो बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से कॉम्प्रीहेंड किया होगा। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं तो डू राइट देम इन द कमेंट्स सेक्शन। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ दोबारा हम हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।